हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बाइकर डैड लाइफ। कैसे हो आप लोग? मैं तो हूँ बहुत ही बढ़िया। तो यस, येट अनदर वीडियो ऑफ द यस्टी, और आज मैं लाया हूँ आपके लिए स्पेशली द यस्टी रोडस्टर, द न्यूली लॉन्च यस्टी रोडस्टर दैट इज। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड दूंगा मोटरसाइकिल का, और एक राइड रिव्यू भी दूंगा बाइकर डैड लाइफ स्टाइल में। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। ये बेसिकली एक टूरर काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल है, सबसे चीपेस्ट मोटरसाइकिल है यस्टी की। ये तीनों जो यस्टी लॉन्च हुई उसमें सबसे सस्ती वाली ये वाली मोटरसाइकिल है। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑल माई अपडेट्स कम फर्स्ट ऑन इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। विदाउट एनी अडू लेट्स चेकआउट इसमें क्या क्या मिलता है, और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इस वाले वीडियो में, चलो लेट्स चेक इट आउट। तो यस, दिस इज़ द मोटरसाइकिल इन फ्लैश। काफ़ी अच्छी लुक है इसकी भी एज़ कम्पेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स। इसमें आपको 5 कलर स्कीम्स मिलते हैं, और प्राइस स्टार्ट होती है 1,98,000 से लेकर 2,06,000 एक्स शोरूम दैट इज। ये है एक 334cc लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 मोटरसाइकिल जो देती है मैक्स पावर ऑफ 29.29 BHP एट द रेट ऑफ 7,300 RPM एट 29 NM टॉर्क एट द रेट ऑफ 6,500 RPM। आगे आपको मिल रहे हैं टेलीस्कोपिक फोक एंड कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन जो कि कवर्ड है ताकि अंदर कुछ मिट्टी वगैरह नहीं जाए और आपके सस्पेंशन ख़राब ना करें। और पीछे मिलता है आपको एक ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स विथ गैस कैनिस्टर, तो ट्विन शॉक्स है पीछे। ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो आपको आगे मिलता है एक 320mm का डिस्क, और पीछे आपको देखने मिल रहा है एक 240mm का डिस्क जिसमें आपको डुअल चैनल ABS भी मिल रहा है। इसमें आपको मोड्स नहीं मिलते हैं। 18 इंच का आगे का टायर मिल रहा है तो वो भी काफ़ी बड़ा है। दिस इज़ नॉट फॉर ऑफ रोडिंग, दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ रोडिंग। और पीछे का टायर है 17 इंच का, आगे का टायर साइज़ है 100x90 का, और पीछे का है 130x80 का। मोटरसाइकिल का अप्रॉक्सीमेट वेट है अराउंड 184 kgs, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12.5 लीटर्स की। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 175mm का, और यहाँ पर भी एक डैश प्लेट लगाया हुआ है मेटल का जो है, सो दैट योर इंजन इज़ प्रोटेक्टेड। और ये रेडिएटर कवर भी दिख रहा है आपको। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे तो इंजन ब्लैक्ड आउट है कम्प्लीटली, और पूरा ब्लैक का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर भी आपको ग्रीन में टैंक देखने मिल रही है। HD का जो बैचिंग है वो 3D में है। यहाँ पर भी आपको ये रबर के गार्ड्स देखने मिल रहे हैं ताकि आपके पैर फिसले नहीं। इग्निशन जो है इसका दिया गया है साइड में, बल्कि नॉर्मली ऊपर रहता है, इसका साइड में दिया गया है, राइट साइड में। और आगे अगर आप देखोगे तो आपको जो लाइट्स है वो LEDs देखने मिल रहे हैं, और इसके जो इंडिकेटर्स है ये बल्ब्स है। बाकी के मोटरसाइकिल्स में, दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको LEDs मिल रहे थे, इसमें आपको बल्ब देखने मिल रहे हैं। मडगार्ड जो है ये है मैट ब्लैक में, और टायर्स जो इसमें बताऊंगा तो दीज आर टूरिंग टायर्स, यू कैनॉट ऑफ रोड विद देम, सो माइंड यू दीज आर मेनली टूरिंग टायर्स गिवन इन दी रोडस्टर। ये एक अलग चीज़ है इसमें जो आपको देखने मिल रहा है, ये मिरर भी है, काफ़ी छोटा है, और यहाँ पर हैंडल बार को एक रेट्रो स्टाइल लुक में अटैच्ड है। मैंने अभी चलाई मोटरसाइकिल, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये वाला। नॉर्मली ऐसे मेरा हाथ नटता है इसमें चलाते वक्त, लगता है, आई एम नॉट वेरी कम्फर्टेबल विद दैट, प्लस इतना ज़्यादा अच्छा व्यू भी नहीं मिलता इसके साथ। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का अगर हम देखेंगे तो साइड स्टैंड कट ऑफ देखने मिल रहा है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर है, RPM गेज है, न्यूट्रल जो गियर इंडिकेटर है, टाइम देखने मिल रहा है, फ्यूल इंडिकेटर भी है यहाँ पर। और अगर हम ये दबाते थे पहले वाले मोड्स में, इसमें कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कोई मोड्स नहीं है। और ये ट्रिप ए और ट्रिप बी ही देखने मिलेगा ओडो दैट इज़, नथिंग एल्स डिफरेंट कैन बी सीन इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। डिजिटल है फुली, छोटा सा है, प्यारा सा है, एंड दैट इज़ इट। अ वेरी सिंपल प्लेन जैन लुक है इसका। यहाँ पर आपको पास का स्विच में देखने मिल रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये इंडिकेटर्स है, ये हॉर्न है, तो हॉर्न तो काफ़ी तीनों मोटरसाइकिल्स का काफ़ी लाउड था। यहाँ पर आपको किल स्विच देखने मिल रहा है, यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट है जो बाकी के मोटरसाइकिल्स में भी था, और यहाँ पर आपको ये इग्निशन ऑन ऑफ, इग्निशन ऑन का भी बटन देखने मिल रहा है।
gear levers and the brake lever is not adjustable in any of the three motorcycles, तो वो नहीं देखने मिल रहा है आपको. सीटिंग के बारे में बताऊँ तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसका, तीनों में से सबसे कंफर्टेबल और चौड़ा इसका सीट है. तो पिलियन के साथ अगर आपको जाना है तो ये वाली मोटरसाइकिल बेस्ट है तीनों मोटरसाइकिल्स में, जिसमें आपको एक पीछे बैक रेस्ट भी मिलता है पिलियन को, तो पिलियन आराम से पीठ टिका के बैठ सकता है यहाँ पर. ग्रैब रेल्स भी देखने मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, जो पिलियन अच्छे से पकड़ के बैठ सकता है इस पे. पीछे अगर आप आओगे तो LED टेल लाइट देखने मिलेगी और बल्ब्स देखने मिल रहे हैं आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स के जगह पे. आगे भी आपको बल्ब्स ही मिलेंगे इंडिकेटर्स में. इसमें भी आपको स्क्रैम्बलर जैसे डुअल एग्जॉस्ट है, दो एग्जॉस्ट है इसमें. तो चलो चल के देखते हैं, इसकी एग्जॉस्ट सुनाता हूँ मैं आपको. तो ये था ये मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट, काफ़ी लाउड है इनफैक्ट HD's के एग्जॉस्ट, और काफ़ी ग्रंटी है. ये वाला भी रोडस्टर भी काफ़ी लाउड है मेरे हिसाब से. यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये इंजन के ऊपर ये मेटल फिनिश देखने मिल रही है, थोड़ा रफ़ है ये पार्ट. मैंने अभी हाथ लगाया तो ऑलमोस्ट मेरा हाथ कट ही गया था, तो थोड़ा ध्यान दीजिए. यू डोंट वॉन्ट टू गेट हर्ट विथ अ मोटरसाइकिल. स्क्रैम्बलर की तरह रोडस्टर में भी आपको ये प्रोटेक्टिव गार्ड मिलता है, जस्ट इन केस आपका पैर लग जाता है तो यहाँ पर आपका पैर जलने से बच जाएगा, सो दैट इज़ अ गुड थिंग. यहाँ पर HD का आपको 3D बैजिंग देखने मिलेगा रोडस्टर का. यहाँ पर ये भी एक मेटल का पार्ट लगा हुआ है इसके ऊपर. तो चलो अब ये मोटरसाइकिल चलाते हैं और एक राइड रिव्यू देता हूँ मैं आप लोग को बाइकर डैड लाइफस्टाइल में, चलिए. तो दीज आर दी कीज ऑफ दी HD, जैसे आपको देखने मिल रहा है 3D बैजिंग है कीज की तीनों में, एडवेंचर में, स्कैंडल में और ये रोशर में भी ऐसे ही कीज है. यहाँ पर 3D बैजिंग है और इसका जो इग्निशन स्लॉट है वो साइड पे है यहाँ पर, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, झुकना पड़ता है यहाँ पर. एंड इग्निशन ऑन करते हैं एंड वी आर सेट टू गो. चलिए फर्स्ट गियर डालते हैं और पेलते हैं. तो सबसे पहले जो मैं नोटिस कर रहा हूँ उसमें कि इसका जो हैंडल बार है वो काफ़ी नज़दीक है मेरे बॉडी के, काफ़ी नज़दीक है. तो मेरे हाथ जो है वो थोड़े ऐसे पीछे हो गए, अगर आप देखोगे तो ज़्यादा आगे नहीं है, ऐसे पीछे हो गए हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग बट जस्ट सेइंग. एंड पावर भी अच्छी खासी है, ऑलमोस्ट 30 BHP है, तो पावर की तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए आप हमें इस वाले मोटरसाइकिल के साथ, रोडस्टर के साथ एम्पल ऑफ पावर. इसके फुटपैक जो है वो जैसे आप देख रहे हो थोड़े पीछे है, मतलब बीच में है, पैर आपके काफ़ी ऐसे जैसे मेरे थाइस देख रहे हो काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तो जो लंबे लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है ये वाली मोटरसाइकिल चलाने में, इसी कारण क्योंकि उनके पैर और फोल्ड होंगे ऊपर. बट फॉर मी, मेरी हाइट है 5'10", और मैं हाइट कंपेरिजन भी दे देता हूँ आपको, तो मेरी हाइट है 5'10", मेरे दोनों पैर अच्छे से नीचे है, टच हुए हैं और आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है. आप 5'6" वगैरह भी होगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी वाली मोटरसाइकिल चलाने में, बट इफ़ यू आर टॉलर मे बी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, क्योंकि पैर आपके जो है काफ़ी ज़्यादा फोल्ड होते हैं इस मोटरसाइकिल में ऊपर. यहाँ पर ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो दैट इज़ वॉट आई फील, ये कर्वेचर ज़्यादा होने का कारण अगर लंबे हो गए तो आपकी थोड़ी दिक्कत हो सकती है. बट ऑल एंड ऑल दैट्स स्टिल ओके. सस्पेंशन भी ठीक ठाक है, नो कंप्लेंट्स विद द सस्पेंशन. टर्निंग रेडियस भी अच्छी खासी है, और बैड रोड्स में भी अगर देखोगे तो मीडियम है सस्पेंशन, ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक ठाक है. और
और जैसे आप देख रहे हो सिटी में भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसको। तो पुणे का ट्रैफिक ही कुछ ऐसा है, कोई भी कहाँ से भी आ जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस इज ऑल्सो एम्पल, काफ़ी ठीक ठाक है ग्राउंड क्लियरेंस, उसमें कोई शिकायत नहीं है मुझे। ब्रेकिंग टच करते हैं इसकी, अब पीछे कोई नहीं है, ब्रेकिंग लाजवाब है, डुअल चैनल एबीएस बेहतरीन है। जैसे आप देख रहे हो मोटरसाइकिल रुक रही है ताबड़तोब, जैसे मैं ब्रेक खींच रहा हूँ वैसे करेक्ट देता हूँ मैं। ब्रेकिंग तीनों मोटरसाइकिल्स की मुझे अच्छी लगी, डुअल चैनल एबीएस इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन ऑल दीज थ्री मोटरसाइकिल्स। और थोड़ा खाली स्ट्रेच में भगाते हैं इसको, दिस इज नॉट दैट रेव फ्रेंडली, ठीक ठाक है। थोड़ा सा ज्यादा स्टिफ है इसका सस्पेंशन कंपेयर टू द अदर मोटरसाइकिल्स इज व्हाट आई फेल्ट। तो अगर आप ज़्यादा टूरिंग वगैरह करते हो, आप काफ़ी टूर्स वगैरह करते हो, तो दिस इज़ द राइट मोटरसाइकिल फॉर यू। क्योंकि इसमें आपको कंफर्ट मिलेगा, काफ़ी लाउड है ये मोटरसाइकिल्स, इनफैक्ट ये वाली भी काफ़ी लाउड लग रही है मुझे, और एवेंजर की तरह इसका सेटिंग लग रहा है मुझे काफ़ी हद तक। तो जैसे मैं कह रहा था, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टूर्स, तो ये वाली मोटरसाइकिल वैसे काम देगी। इसको आप ऑफिस भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेली कम्यूटर भी बन सकती है आपकी। सबसे चीपेस्ट मोटरसाइकिल है तीनों मोटरसाइकिल्स में ये वाली। तो होप आप लोग को मेरे ये तीनों HD के वीडियोस अच्छे लगे हैं, और अगर अच्छे लगे तो शेयर कीजिए आपके सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये वाले वीडियोस देखने मिले और उनको भी जानकारी मिले ये मोटरसाइकिल्स के बारे में। तो स्पेशल मेंशन टू शक्ति HD हियर इन पुणे बानेर, जिन्होंने मुझे ये मोटरसाइकिल प्रोवाइड की। अगर आपको कोई भी मोटरसाइकिल खरीदनी है HD एनफील्ड की, आप इनसे खरीद सकते हो। मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दैट्स इट गाइज, आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हियर। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, मिलते रहेगा आपका दोस्त ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, ऐसे रिव्यूज़ के साथ और एक्साइटिंग कंटेंट के साथ। आपका ध्यान रखिए, कोविड काफ़ी फैल रहा है। टेक केयर गाइज, अलविदा, मिलेंगे जल्द। नो अलविदा, बाय बाय।